डियर स्टूडेंट, मैं सर पवन राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम जो टॉपिक है मॉडर्न ट्रेन इन टैक्सोनॉमी इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी APJ 4 सिस्टम क्या होता है इसको देखेंगे। बेसिकली इसमें जो है मेन जो हेडिंग दी गई है, चार हेडिंग को हमको इसमें पढ़ना है। वर्गीकीय में आधुनिक प्रवृत्तियाँ टैक्सोनॉमी में जो मॉडर्न ट्रेन से एंड मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी क्या होता है इसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है। इसमें कुछ सब हेडिंग्स दी गई हैं, इनको डिटेल से हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसा कि बताया है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, कोशिका विज्ञान का वर्गीकरण में या टैक्सोनॉमी में क्या रोल हैगा इसको हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, गुणसूत्र की आकारिकी का हम अध्ययन कर चुके हैं, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्यूसिस, गुणसूत्र का व्यवहार क्या है म्यूसिस सेल डिवीजन के समय, साइटोलॉजिकल वेरिएशन एट फैमिली लेवल, कुल स्तर पर साइटोलॉजिकल वेरिएशंस क्या क्या है, साइटोलॉजिकल वेरिएशन एट जीनस लेवल या जेनेरिक लेवल पर क्या है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, साइटोलॉजिकल जो एविडेंसेस है या हम कहें साइटोलॉजिकल कोशिका विज्ञान से संबंधित जो टैक्सोनॉमी है वो इन 5 पॉइंट में यहाँ पर कंप्लीट होती है। अर्थात हम यदि साइटोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो हमको इन 5 जो सब हेडिंग दी गई है इनको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो मेन जो टॉपिक है आपका मॉडर्न ट्रेन इन टैक्सोनॉमी, इसमें चार प्रकार के जो मेन हेडिंग है वो दिए गए हैं। साइटोलॉजिकल का रोल क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, पादप रसायन का जो है क्या रोल है टैक्सोनॉमी के अंदर, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्ब्रायोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, भ्रूण विज्ञान एम्ब्रायोलॉजी का क्या रोल है टैक्सोनॉमी में, और लास्ट है टैक्सीमेट्रिक्स या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अर्थात गणित का मैथमेटिकल जो एक सब्जेक्ट है इसका क्या रोल है टैक्सोनॉमी का, ठीक है, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के टैक्सीमेट्रिक्स और यहाँ पर जो दिया है OTUS, ठीक, यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें पढ़ेंगे। तो हमको मेन जो है चार सब हेडिंग जो दी गई है मॉडर्न ट्रेन इन टैक्सोनॉमी में पढ़ना है, अर्थात वर्गीकरण में आधुनिक प्रवृत्तियां मॉडर्न ट्रेंड्स क्या है और मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी क्या है इसको देखना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देखा हमने मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री इन टैक्सोनॉमी, पादप रसायन का टैक्सोनॉमी में क्या रोल है, विभिन्न प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं उनका पौधों के अंदर जो है टैक्सोनॉमी जो क्लासिफिकेशन टैक्सीमेट्रिक्स यदि पढ़ेंगे तो उसमें क्या रोल है। एमाइनो एसिड्स दो ग्रुप थे इसके हमने पढ़ा था, एक ऐसे एमाइनो एसिड जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और एक ऐसे एमाइनो एसिड जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते। फिनोलिक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, बीटालिन्स क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स हमने देखा है, टर्पिनाइड्स और स्टेरॉइड्स, ये डिटेल्स एक वीडियो में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको इस पर्टिकुलर जो फाइटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है इस पर। हम आज देख रहे हैं ओवरऑल की पूरा जो फाइटोकेमिस्ट्री है, साइटोलॉजी है, एम्ब्रायोलॉजी है या टैक्सीमेट्रिक्स, चारों जो पॉइंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी ये फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्ब्रायोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, भ्रूण विज्ञान का जो है क्या रोल है टैक्सोनॉमी में, वर्गीकरण में भ्रूण विज्ञान का क्या योगदान है। एंथर कैपिटम ये देखेंगे हम। फिर अगला है पार्टी पार्टीशन ऑफ द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, जो चतुष्क मात्र कोशिकाएं होती है उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन कैसे डेवलप होते हैं, किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ उसका टैक्सोनॉमी में क्या रोल है। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, बीजांड का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में देखेंगे। द न्यूसेलस क्या होता है इसको पढ़ा हमने। स्पोरोजिनस टिश्यू इन द ओव्यूल, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होते हैं ओव्यूल के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो शेक, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो शेक, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म और द एम्ब्रियो, लास्ट पॉइंट। तो टोटल हम 11 जो है इसके जो हेडिंग दी गई है हम एम्ब्रायोलॉजी में पढ़ेंगे, इसका एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ ऑलरेडी। आज हम ओवरऑल देख रहे हैं कि जो 4 पॉइंट है, 4 सब हेडिंग दी गई है, इसमें क्या क्या चीजें आ रही है। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सीमेट्रिक्स या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल अर्थात हम कहें बात गणित का क्या रोल है टैक्सोनॉमी में, अर्थात टैक्सीमेट्रिक्स एक वर्ड इसलिए यूज किया गया है टैक्सीमेट्रिक्स या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी।
मेजर रोल क्या है टेक्सीमेट्रिक्स का या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, टेक्सोनॉमी के अंदर? इसमें जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी ग्रुप बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी ग्रुप जिसमें ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट्स OTUS, यूनिट कैरेक्टर्स, इकाई लक्षण जिसको हम कह रहे हैं, टू एंड मल्टी स्टेट कोडिंग सिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे, टू एंड मल्टी स्टेट कोडिंग जो एक सिस्टम है इसको देखेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ रिसेम्बलेंस, ठीक है, अर्थात एक रूपता का हम इसमें मापन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे एक रूपता है या नहीं है, क्लस्टर एनालिसिस, ठीक है, जो गुच्छे हैं क्लस्टर्स बनेंगे, ठीक है, गुच्छ फॉर्मेशन, गुच्छ विश्लेषण हम इसको सामान्य भाषा में कह रहे हैं, हम इसका इसमें अध्ययन करेंगे, लास्ट रहेगा फिनॉन्स एंड रैंक, इसका अध्ययन करेंगे हम। तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं फाइव, ये हेडिंग दी गई है, ये दी गई है न्यूमेरिकल जो हम जिसको कह रहे हैं टेक्सीमेट्रिक्स, संख्यात्मक या सांख्यिकी वर्गीकी जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये चीजें हम आज ओवरऑल देखा, इसमें बाइनरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें हम देखेंगे, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो हैगा मल्टी स्टेट कैरेक्टर्स हम इसमें पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मल्टी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये टोटल फोर पॉइंट के द्वारा वर्गीकी में आधुनिक प्रवृत्तियां और मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये कंप्लीट होती है। फोर पॉइंट है, फोर पॉइंट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें इनके पर्टिकुलर एक वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये ओवरऑल आज हमने देखा कि इन चार जो मेन मेजर जो रोल है साइटोलॉजी का, फाइटोकेमिस्ट्री का, एम्ब्रायोलॉजी का या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, वो क्या है टेक्सोनॉमी में, ठीक, क्योंकि प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में, फैमिली के आइडेंटिफिकेशन में, प्लांट के जो नॉमनक्लेचर है, प्लांट की क्लासिफिकेशन में, इसका मेन इंपॉर्टेंट है, इतनी के बेसिस पे क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, आइडेंटिफिकेशन हुआ है, फैमिली का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, प्लांट्स के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनका आइडेंटिफिकेशन में हमको हेल्प मिली है। तो ये बेसिकली फोर पॉइंट है, फोर जो पॉइंट एग्जाम में आपको फाइटोकेमिस्ट्री पे कमेंट लिखने को आ सकता है, या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पे आ सकता है, या आपको एम्ब्रायोलॉजी पे आ सकता है, बट पर्टिकुलर एक टॉपिक जो दिया है मॉडर्न ट्रेंड्स इन टेक्सोनॉमी इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, यदि ये आता है तो आपको इन चारों को डील करना है, डिटेल से समझाना है। थैंक यू सो मच।